फ्रोलिक स्टेज पे मैं संगीता बठेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि गर्मियाँ आ गई हैं तो इन कपड़ों को रखने का टाइम आ गया है। इस तरह की वूलन की जैकेट्स अगर आपके पास भी हैं तो इसे किस तरीके से ट्रैकलिंग करना है, इसे ही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक करें ताकि इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये इस तरह की जो जैकेट्स रहती हैं ये प्योर वूलन की रहती हैं और इन्हें जो रखना है उसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है ताकि इसमें कोई भी कीड़ा या फिर डैमेज ना हो और ये सालों साल ऐसे ही न्यू बनी रहे। इसमें कोई भी फेडेड कलर ना हो, कोई भी, इन सभी चीज़ों के लिए हमें ड्राई क्लीन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ड्राई क्लीन सॉल्यूशन बनाने के लिए आप अप टू द मार्क वाटर लेंगे वॉशिंग मशीन में और साथ में लेंगे आधी कटोरी एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, इसी का ही ड्राई क्लीन सॉल्यूशन में यूज होता है। साथ में आप लेंगे एक कटोरी लिक्विड सोप, कोई भी लिक्विड सोप आप ले सकते हैं, लाइक इजी सेफ वॉश कुछ भी आप यूज कीजिए, लेकिन आपने माइल्ड सोप ही यूज करना है। मैंने यहाँ होममेड अपना बनाया हुआ लिक्विड सोप यूज किया है। आप चाहें तो मैंने रीठे का पानी आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो भी लिक्विड सोप है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को डाल के हमने वॉशिंग मशीन को शुरू करना है ताकि ये मिक्स हो जाए। ड्राई क्लीन सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जैकेट को डाल देंगे और 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे पूरा ड्राई क्लीन करेंगे। जब ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा देन हम इसे साफ पानी से निकाल लेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, इसे 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से हम निकालेंगे ताकि ये पूरी तरह से क्लीन हो जाए। जैकेट को हमने साफ पानी से निकाल लिया है। 2 और 3 पानी से निकालने के बाद अब हम इसे अच्छे से स्पिन करेंगे। इसे हमने पूरा स्पिन करना है, मैं 3 मिनट के लिए इसको स्पिन करूंगी। फ्रेंड्स, जैकेट के सेकंड वॉश के लिए हम बनाएंगे एक सॉल्यूशन। इसके लिए हमने आधी बोतल पानी लेना है और 2 चम्मच हम लेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर को पानी में मिक्स करेंगे और इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैकेट को स्पिन करने के बाद आप इस तरीके से फैला लेंगे। आप चाहे तो इसे टेबल पे फैला के कर सकते हैं और जो हमने वाइट विनेगर का सॉल्यूशन बनाया है उसको इस पे पूरी जैकेट पे अच्छे से स्प्रे करेंगे। ये काम हमने इसको सुखाने से पहले करना है। आपने ध्यान दिया होगा वूलन क्लोथ में हमने सेकंड वॉश करना है या फिर स्प्रे करना है, ये बहुत जरूरी है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। इससे वूलन क्लोथ की ना सिर्फ लाइफ बढ़ती है बल्कि जो आप इसे रखेंगे तो कीड़े मकोड़ों से भी इसकी बचत हो जाती है, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं बहुत सी जगह पे। अब गर्मियों में ये कपड़े 6 महीने के लिए रखे जाते हैं तो उसमें नैप्थलीन की बॉल या फिर नीम की पत्तियां लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं। अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपको वो सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे स्प्रे करने के बाद इसे सुखा लीजिए, सुखा के आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। इस पे कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी इसको खराब नहीं करेगा, ये आपकी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी और फैब्रिक जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। अब हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। हमने इसे धूप में सुखाना है लेकिन उल्टा करके सुखाना है, सीधा डायरेक्ट धूप में हम इसे नहीं सुखाएंगे, इसे उल्टा करके फिर आप सुखाएंगे। इस तरीके से आपके वूलन क्लोथ को पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है। टीटी कॉकरोच आपको नैप्थलीन बॉल वगैरह डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसको स्टोर करने के लिए नीम की पत्तियां डालने की जरूरत है। इस प्रकार से आप घर पे ही वूलन क्लोथ को ड्राई क्लीन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।